नमस्कार जी, कैसे हैं आप? वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है। अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू सक पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं। और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं। ऐसा जानो, सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसीलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सुकचा गई। हे श्रेष्ठ वड़वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की पराकाष्ठा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी संता की पराकाष्ठा हैं, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की पराकाष्ठा हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और सपने में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। राजा ने बिलककर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वंश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए। इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सुखचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है वह योग कुयोग और वह ज्ञान अज्ञान है।
तुम्हारे बिना ही सब सुखी हैं, और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के भी जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। जनक वशिष्ठादि संवाद। इंद्र की चिंता, सरस्वती का इंद्र को समझाना। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शीतल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मगन हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग छूट से गए। वे प्रेम से शीतल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए या अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु अब हम इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए। दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देख कर प्रेम वंश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरुत राजा जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले, इसीलिए वे संकोच वंश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धर कर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे सच अपना बच्चा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन हो गए। तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात विधाता, को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी, धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थ वंश कहूँगा या प्रेम वंश, दोनों में ही भूल होने का भय है। अतः मुझे पराधीन जानकर मुझसे ना पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ
उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए, जहाँ देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियाँ व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहर दशा देखी, फिर विधेय जी के विशेष स्नेह को देखा और तब श्री राम भक्ति से ओत प्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वंश में हैं, इसीलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया पर कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वंश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रही हो कि भरत जी की मति पलट दो? हजार नेत्रों से भी तुमको समेरु नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, बुलावे में डाल दो? अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत जी के हृदय में तो सीता राम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्म लोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के ज्योत श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म की अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भत्ता अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सुखचा गए, स्तंभित रह गए, किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभा को संकोच के वंश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक रूपी हिरणाक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वारहा बारह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरणाक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया।
भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुंह से कठोर दृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में स्वामी सरस्वती का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखार बिंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शीतल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, हे प्रभु, आप पिता माता हृदय मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक शील के भंडार शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वक सुजान समर्थ शरणागत का हित करने वाले गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीके स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोहवंश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंचे और नीचे अमृत और अमर पद देवताओं का पद विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ठिठाई की परंतु प्रभु ने उस ठिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया जिससे मेरे दूषण दोष भी भूषण गुड़ के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बढ़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो कूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी नास्तिक और निश्चंक निडर हैं उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों ने के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और सपने में भी अपनी कोई करनी ना समझकर अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा ना जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोक कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नाचने वाले के अधीन है। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु, आपके सिवा अपनी वृद्धावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर ना मानकर चला आया तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया या जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है।
कृपा निधान ने मुझ पर सांगो पांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गुसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ठिठाई की है। हे देव, मेरे अर्थ भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। हृदय बिना ही हेतु हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की स्वामिनी पराकाष्ठा अवधि है, उसकी दुआई करके मैं अपने हृदय को जागते सोते और सपने में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की ओर कोई सेवा नहीं है। देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शीतल हो गए। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शीतल हो गए। सब मनी मन भरत जी के भाई पर और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सुखचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को तीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुएओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की पराकाष्ठा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो कुमुद बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज साजा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया, फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय और उच्चाट के वंश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस विकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंस कर कहने लगे, इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार
यवन यौवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीके होते हैं। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी, साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग, जिस प्रगति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सुख चाहते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली, पर उसका वर्णन करने में कठिनता है। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मगन हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सुकुचा गई, उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमाएं और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाई देखती ही रह गई है। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीता राम जी के चरणों में अनुरक्त ना हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ ना हुआ, उसके समान वाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, ये तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुछ समय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। हे तात, तुम सूर कुल की रीति को सत्य प्रतीक, पिताजी की कृति और प्रीति को समय, समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुमको सबके कर्मों, कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा ने ही संभाल रखी, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्यास्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश ना होगा। तात, उसी प्रकार का उत्पाद विधाता ने यह पिता की असामायिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा।
गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी, सदतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। ऐसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। तुमको कोमल जानकर मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। ये तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर को अवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। ब्रज के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शीतल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया, वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धर कर आदर पूर्वक करूं। परंतु देव, आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूं, उसके लिए क्या आज्ञा होती है? मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेष कर प्रभु आपकी चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य अत्रेय ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो। निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रेय मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला है, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। बोलो श्री राम जी की जय हो।